हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। इस क्लास में हम लोग पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर SSC GD एग्ज़ाम के लिए जो 20 फरवरी को होने वाली है। तो इस क्लास की पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 2023 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बसवराजु एस को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया है। तो बसवराजु एस को किस राज्य का मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जो मिला है से सिंगापुर देश के चांगी हवाई अड्डे को मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है। तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो है 2024 में ये गोवा में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्ति जो किया गया है सो JBR गवई को किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रसीम शुक्ला को नियुक्त किया गया है। तो पूछेगा, महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP किसे नियुक्त किया है, तो रसीम शुक्ला को नियुक्त किया है। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, NHSRCL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मकरंद रनाडे बने हैं। तो पूछा जाएगा, वायुसेना जो मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, तो इसका महानिदेशक जो बना है सो कौन बना है, तो मकरंद रनाडे बना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कौन बना है। तो भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष जो बना है सो संजय सिंह बना है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृत रायचंद को नामित किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता किसको नामित किया है, तो राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। तो किस राज्य की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है, तो पश्चिम बंगाल राज्य जो है, पश्चिम बंगाल राज्य की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बनता है, 11वां जो बांग्लादेश 11वां जो बांग्लादेश है पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ पे हुआ, तो कोलकाता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड अम्बेडकर कौन बने हैं। तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड अम्बेडकर सौरभ गांगुली बने हैं। तो
इसका आंसर जो होगा पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो सौरभ गांगुली बना है। शांति निकेतन को यूएनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा शांति निकेतन को शामिल किया है तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, किसने किया है? यूनेस्को ने किया है। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला वैशाख मनाने का निर्णय लिया है। तो पूछेगा कि पोइला वैशाख मनाने का निर्णय कौन लिया है, तो पश्चिम बंगाल ने लिया है। और किस डेट को लिया है, तो 15 अप्रैल को लिया है। हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के युप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय नौसेना स्टाफ के युप प्रमुख जो नियुक्त किया गया है सो दिनेश त्रिपाठी को किया गया है, दिनेश के त्रिपाठी को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन जो किया गया है सो दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी के साथ इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया है, तो विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता जो नियुक्त किया है सो किसे किया है, तो रणधीर जायसवाल को किया है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपये का फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है, तो क्वेश्चन पूछेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 करोड़ रुपये का फास्ट रिएक्टर प्लान का उद्घाटन जो किया है सो कहाँ किया है, तो तमिलनाडु राज्य में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बनेगा तमिलनाडु से, भारत का पहला तिलापिया परियो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया, परियो वायरस जो है सो तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सांगो को GI टैग मिला है, तो तमिल पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सलेम सांगो को GI टैग मिला है, कहाँ किस राज्य की है, तो तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु का सलेम सांगो को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन बनता है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है, तो पूछेगा कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है, तो तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीती है, तो मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसने जीता है, 2023 परवीना अंजना ने जीती है। तो ये बनी इसका क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 जो बना है सो कौन बना है, तो परवीना अंजना बनी है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी, तो मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला जो बनी सो रिक्की वैलोरी बनी है। तो आंसर जो होगी सो रिक्की वैलोरी होगी। तो क्वेश्चन बनेगा मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है, तो रिक्की वैलोरी बनी है। हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया था,
तो कौन सा राज्य था जो राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश का माउंट लेवोटोपी ज्वालामुखी फटा है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसका माउंट लेवोटोपी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया देश का माउंट लेवोटोपी ज्वालामुखी फटा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के मारपी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडोनेशिया के कौन सा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वें एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया जाएगा। तो पूछा गया कि 43 एशियन शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो जकार्ता में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। तो पूछेगा कि जन औषधि केंद्र का मॉडल का कौन अनुकरण करना चाहता है? तो इंडोनेशिया ने भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहती है। अगला क्वेश्चन बनता है, अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अटल डुल्लू को किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग मिला है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर के केसतवाड़ जिले को किसके लिए GI टैग मिला है? तो केसर के लिए GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार RR सवेन ने संभाला है। तो क्वेश्चन पूछेगा, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त जो है सो अतिरिक्त प्रभार कौन संभाला है? तो RR सवेन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। तो जम्मू कश्मीर को प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो चाड के नए प्रधानमंत्री जो बना है सो सुक्सेस मसरा बना है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बनता है, मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। तो पूछेगा कि मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ कौन सा कार्यकाल जीता है? तो तीसरा कार्यकाल जीता है। एंड्री राजू एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। तो पूछेगा एंड्री राजो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। तो क्वेश्चन आएगा, मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो एंड्री राजियो लिना को चुना गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बनी है अभी? तो क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो पूछेगा लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीता है? तो जोसेफ बोकाई ने जीता है। लुइक फ्रीडन को लगज मगर का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो लगज ये है लग्जमबर्ग का जो प्रधानमंत्री चुना गया है सो किसे चुना गया है? लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री लुइक फ्रीडन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा, जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। तो अर्जेंटीना का राष्ट्रपति अभी कौन बनी है? तो जेवियर माइली बनी है। पेंडो सांचेंज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है। तो पूछा जाएगा स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो
पेडो सांचेज को चुना गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? तो एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है, सो भारत में रहा है कैंसर से हुई मौतों के मामले में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है कि भारत में भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। तो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है तो कौन हुआ है? तो भारत सर्वाधिक वोट के साथ, भारत सर्वाधिक वोट के साथ हुआ है। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति किसने दिया है, अनुमति जो से किसने दिया है? तो मलेशिया ने दिया है। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। तो पूछा जाएगा कि मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना किसने बना रहा है? तो भारत ने बना रहा है। भारत ने 2023 से 2024 में रिकॉर्ड 41,010 पेंटेड 41,010 पेंटेड कराए हैं। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 41,010 पेंटेड किसने कराए हैं? तो भारत ने कराए हैं 2023 से 2024 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं को पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो ऐसा कौन सा राज्य का सरकार है जो आपदा आने से पहले पूर्ण चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने किया है। तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 97 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। तो पूछेगा किस राज्य की सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश का CSGM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा A++ ग्रेडिंग हासिल किया है तो किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन जो किया है सो प्रयागराज में किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य ने 2023 में 40 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है, अभी तो पिछले पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में एक नया बैक्टीरिया खोज किया गया है जिस बैक्टीरिया का नाम रखा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से सोने शुरू होने की राह पर है? तो किस देश में है? तो जापान देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है,
तो पूछा जाएगा कि जापान को नया द्वीप मिला, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है, तो किसको मिला है? जापान को मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। बोल रहा है इसरो जो है सो जापान की स्पेस एजेंसी के मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के आकोहामा में डांसिंग पिकाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो जापान को आकोहामा में पूछेगा कि डांसिंग पिकाच कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो जापान का आकोहामा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियन में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली जो है सो ये बन गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व टेस्ट चैंपियन में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बना है? तो विराट कोहली बना है। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल आस्ट्रोक है, कोलकाता कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईपीएल इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? तो मिचेल आस्ट्रोक थे। इसको खरीदा कौन था? कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसे खरीदा था। बीसीसीआई के एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का क्या मिला है? फैसला मिला है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीसीसीआई ने किसके लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश किया है? तो मोहम्मद शमी के लिए किया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन बना था? तो दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान लोरा बोलवाट को बनाया गया है। U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कहाँ पर होगी? तो U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का मेजबानी जो होगी सो दक्षिण अफ्रीका में होगी। तो दक्षिण अफ्रीका U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबानी करेगी 2024 वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मोबाइल कंपनी टेक्नो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सोनू सूद को बनाया गया है। ये SITIS न्यूट्रिशियन ने रविंदर जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ASITIS न्यूट्रिशियन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो रविंदर जाडेजा ने बना है। होसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो होसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर जो बना है सो रणवीर कपूर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, RADO की ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो RADO का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफे कैफ बना है। पुमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो पुमा के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी बना है। हाल ही में किसने टैगोर सहित पुरस्कार जीता है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो टैगोर साहित्य पुरस्कार जो जीता है सो सिकिर्ता पॉल ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बनता है इससे, G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, क्वेश्चन पूछेगा ग्लोबल
आइकन अवार्ड किसने जीता है? तो श्रीनिवास नाइक ने जीता है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाइडेज को मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार किसे मिलेगा? तो सविता लाइडेज को मिलेगा। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। तो पूछेगा कि पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे मिलेगा? तो जावेद अख्तर को मिलेगा। और किसके किस में से मिलेगा? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को चुना गया है। तो पूछेगा कि 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो पुष्पा भारती को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को वितरण की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को वितरण की शुरुआत किया है? तो आंध्र प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को वितरण शुरू किया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना कौन शुरू करेगी? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू करेगी। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश किस स्थान पर? शीर्ष स्थान पर है। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बन गया है। तो विशाखापट्टनम का नया पर्यटन जो स्थल बन गया से कौन बन गया है? मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स बन गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, तो किसमें किया है? भ्रष्टाचार के आरोप में। इसरो ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा इसरो ने पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो हाल ही में जो किया गया है कि 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? तो फ्रांस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग ग्रेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग ग्रेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो अमृतसर के रामबाग ग्रेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहा है? तो 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना जो कर रही है सो अफगानिस्तान की कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से अफगानिस्तान के NGO को सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अफगानिस्तान के NGO को सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन बनता है, अजय जाडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। तो क्वेश्चन बनता है, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर कौन बने हैं?
तो अजय जाडेजा बना है। अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है, तो कहाँ की मुद्रा बनी है? अफगानिस्तान की मुद्रा बनी है। हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल सुरक्रूर खिताब जीता है? तो सीनियर नेशनल सुरक्रूर खिताब जो जीता है सो सौरव कोठारी जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो संपन्न जो खेल हुआ खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2023 में जो शीर्ष पर रहा सो कौन रहा? तो हरियाणा राज्य रहा। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वरिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्ति किया है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मीता वरिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्ति किया है, तो किसने किया है? हरियाणा सरकार ने किया है। तो हरियाणा सरकार ने मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया है? अभिनेत्री मीता वरिष्ठ को। हरियाणा का नए डीजीपी के रूप में किसने कार्य संभाला है? तो हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यकाल संभाला है। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियंस जीती है। तो पूछेगा कि हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे शुरू होगा? तो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है और कहाँ हुआ था? तो गुरुग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धाकड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया है? तो अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन जो किया है सो लखनऊ में किया है। कौन किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेला शुरू उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में किया है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया का 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो दुनिया का जो 8वें गेंदबाज जो बन गया है सो नाथन लियोन बन गया है 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाला। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने की फैसला किया है। तो बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने की फैसला किया है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश किया है। तो अर्जुन अवार्ड की किसको मिलेगा? बीसीसीआई ने घोषणा कर दिया है मोहम्मद शमी को मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लोरा बोलवाट को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में रुवेन आजर को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र सर्वेद महामंदिर का शुभारंभ जो से कहाँ किया है? तो वाराणसी में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किसे हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो हाल ही में हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त जो किया है सो KS रेड्डी को नियुक्त किया है।
सैम आल्टमैन को फिर से नए आई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सैम आल्टन को फिर से अपने आई को सीईओ के रूप में नियुक्ति किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष नियुक्ति किया है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया है? तो आनंद महिंद्रा को नियुक्ति किया है। जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ ली है? तो जस्टिस विवेक चौधरी ने लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को चुना गया है। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल लाही मीरे ने यूएन नानसेन पुरस्कार जीता है। तो यूएन नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? अब्दुल लाही मीरे ने जीता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि माइकल डगलस को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल पॉल लिंच को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन परमानन योजना शुरू किया है? तो वन परमानन योजना जो शुरू किया है सो भारत ने किया है सतत प्रबंधन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। तो छठे महीनों उभरते बाजारों भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। धनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया की पहले क्रिकेट टीम भारत बनी है। तो यहाँ पे होगा वनडे, होगा धनडे नहीं होगा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया का पहला क्रिकेट टीम भारत बनी है। हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट जो है 2 सैटेलाइट लॉन्च जो किया है, सो चीन चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। तो पूछेगा, दुनिया की पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर किसने शुरू किया है? तो चीन ने किया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन बनता है, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किसने किया है? तो चीन ने किया है। फिलिप्स ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकालने की घोषणा की है। तो फिलिप्स ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकालने की घोषणा की है। बाहर निकलने की क्या की है? घोषणा की है। चीन ने झावो जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चीन ने झायो जिंग को
झायो जुंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। यानी अफगानिस्तान नया राजदूत कौन बना है, तो झायो जिंग को बनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये आई शिखर सम्मेलन का शुरुआत करेगी। तो ये आई शिखर सम्मेलन का शुरुआत नई दिल्ली में करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। तो टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर जो नामित किया है सो लियोनेल मेसी को किया है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाएं शामिल है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला शामिल है। तो उसमें भारतीय महिला जो शामिल जो है सो कितना है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। तो लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर जो बन गया है सो कोलकाता बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है। तो किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है राष्ट्रीय औसत से 180 रहा है। तो किस राज्य में रहा है, वो उत्तर प्रदेश राज्य में रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ उसका आंसर चले जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। ये सब हम लोग पीछे जो से पीछे क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का मरापा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो से रिपीट हो चुका है, इंडोनेशिया देश के मरापा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है। तो दूसरी 2+2 वार्ता जो है सो नई दिल्ली में आयोजित हुई है, भारत और किस देश के बीच हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहाँ पे है? अभी हम लोग कौन सा नंबर पे देख रहे थे, यहीं पे देख रहे थे। हाँ, तो कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है जो वार्ता चल रही, नई दिल्ली में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। तो पूछेगा कि अपने निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कौन करा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने करा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। तो पूछेगा कि विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला कहाँ पाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। नौसैनिक अभ्यास मालावार का 27 यानी कि 27वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन किया है। तो मछली पालन जो किया है सो किसने किया, मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है मछली पालन में। तो इसका आंसर जो होगा सो किसके साथ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। उत्तर प्रदेश राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन किया है यानी मैदानी क्षेत्रों में पहला स्थान प्राप्त किया है।
मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। तो क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य में पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। रन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा जो से कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी में स्थित की जाएगी। अगला क्वेश्चन बनता है हाल ही में कहाँ 17,000 भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि प्रदान की जाएगी? तो 17,000 भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि प्रदान जो की जाएगी सो जम्मू कश्मीर में की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर चले जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया है? तो घूमने के लिए भारत में सर्वोत्तम स्थान जो घोषित किया है सो कोची को घोषित किया गया है। हाल ही में मोहम्मद मुइजी ने किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मालदीव देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा करा है। एशिया सर्फिंग चैंपियंस का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो मालदीव में किया गया है। मालदीव की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो स्पोर्ट आइकॉन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बना है? तो भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ जो बना है सो रघुराम अय्यर बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो CRPF का महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नियुक्ति किया है। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ITBP का महानिदेशक जो नियुक्त किया है सो राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत के पहले दलित मुक्त सूचना आयुक्त CIC कौन बना है? तो CIC जो बना है भारत के पहले दलित मुक्त सूचना आयुक्त जो बना है सो कौन बना है? हीरा लाल समरिया बना है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बना है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नए प्रमुख जो बना है सो अजय ठाकुर बना है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की पहला महिला अध्यक्ष और CEO जैसे कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहला महिला अध्यक्ष और CEO जो बनी है सो जय वर्मा सिन्हा बनी है। लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में तीसरी बार जो नियुक्त किया गया है सो जय शाह को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। विश्व व्यापार संगठन में भारत के अगले राजपूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन में भारत के अगले राजपूत के रूप में जो नियुक्ति जो किया गया है सो किसे नियुक्ति किया गया है? सेंथिल पांडियन सी को नियुक्ति किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री जो बना है सो चंपई सोरेन बना है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI जिसे कहते हैं RBI के किसे ड्यूटी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के किस ड्यूटी गवर्नर का कार्यकाल जो है से 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो 1 वर्ष जो बढ़ा दिया है मनोज
दीनदयाल कार्यकाल को एक वर्ष बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बना है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक जो बना है सोरासिम शुक्ला बनी है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बना है? तो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक जो बना है सो विकासशील बना है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका आंसर चला जाएगा। जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति जो किया है सो जस्टिस 17वीं वरायले को किया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका आंसर होगा। रक्षा मंत्रालय का नए महानिदेशक कौन बना है? तो रक्षा मंत्रालय का नए महानिदेशक जो बना है सो समीर कुमार सिन्हा बना है। जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार जो संभाला है सो अरुण नायर ने संभाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बना है। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आज का आंसर। भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बना है? तो भारत के नए महासर्वेक्षक जो बना है सो जनरल एम गोपाल राव बना है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बना है? तो सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक जो बना है सो रघु श्रीनिवासन बना है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बना है? तो RPFS का नए महानिदेशक जो बना है सो कौन बना है? तो मनोज यादव ने बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। भारत के सोलिसिटर जनरल कौन बना है? तो भारत का सोलिसिटर जनरल जो बना है सो तुषार मेहता बना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक कौन है? CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जो नहा महान इसका निदेशक जो बना है नए निदेशक जो बना है सो कौन बना है? तो प्रवीण सूद बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र क्या 14वें निदेशक कौन बना है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का 14वें निदेशक जो बना है सो कौन बना है? विवेक भसीन बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बना है? तो भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बना है सो कौन बना है? तो अनिल चौहान बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष जो बनी है सो रेखा शर्मा बनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है सो रवनीत कौर बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बना है? तो नीति आयोग का नए CEO जो बना है सो BVR सुब्रम बना है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के यानी कि NABARD के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो KV साजी बनी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो DRDO का जो नए अध्यक्ष जो बना है सो समीर वी कामत बना है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो बनी है सो द्रौपदी मुर्मू बनी है।
भारत के नए महानवादी कौन बना है? तो भारत का नए अटॉर्नी जनरल हुए सो कौन बनी है? तो आर वेंकटर मणि बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो आर आर वेंकट रमनी बनी है। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बना है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बना है? तो सत्यनारायण प्रधान बनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नए अध्यक्ष कौन बना है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नए अध्यक्ष जो बना है अरुण कुमार मिश्रा बना है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो बना है सो राजीव कुमार बना है। भारत थल सेना के नए प्रमुख कौन बना है? तो भारत थल सेना का नए प्रमुख मनोज पांडे बना है। संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? यानी यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो सिलवर्धन सिंह को नियुक्ति किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष कौन है? सेबी का अध्यक्ष जो से कौन है? तो माधवीपुरी बुच है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो सीबीआईसी का नए अध्यक्ष जो बना है से कौन बना है? संजय कुमार अग्रवाल बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के नए सीईओ कौन बना है? तो यूआईडीएआई का नए सीईओ जो बना है सो अमित अग्रवाल बना है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? तो भारत के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं सो कौन बने हैं? तो धनंजय अश्वंत चंद्रचूड़ बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन बना है? यानी कि इसरो का अध्यक्ष जो बना है से कौन बना है? तो सोमनाथ बना है, एस सोमनाथ बना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो बीसीसीआई का नए अध्यक्ष जो बना है सो कौन बना है? तो रोजर वित्री ने बना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है सो पीटी उषा बनी है, जो एथलीट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एनटीए, के नया महानिदेशक कौन बना है? तो एनटीए का नया महानिदेशक जो बना है सो कौन बना है? सुबोध कुमार बना है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बना है? सीजीए जो से कौन बना है? भारत के नए सीजीए कौन बना है? तो भारत का नए लेखा महानियंत्रक जो बना है सो SS दुबे बना है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर होगा। संघ लोक सेवा आयोग का नए अध्यक्ष कौन बना है? तो यूपीएससी का नए अध्यक्ष जो बना है डॉक्टर मनोज सोनी बना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो CBDT का नया अध्यक्ष जो बना है सो नितिन गुप्ता बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का नए अध्यक्ष जो बना है सो अतुल कुमार गोयल बना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बना है? NHAI का नए अध्यक्ष जो बना है सो कौन बना है? संतोष कुमार यादव बना है। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन बना है? तो संतोष कुमार यादव बना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? तो वैश्विक विधि लॉ कमीशन का अध्यक्ष जो बना है सो कौन बना है? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नए अध्यक्ष जो बना है सो राजीव लक्ष्मण करेंदकर बना है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बना है? तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो बना है सो कौन बना है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू बना है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो UGC का नए अध्यक्ष जो बना है सो कौन बना है? एम जगदीश कुमार बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बना है? तो नीति आयोग का नए उपाध्यक्ष जो बना है सो सुमन के बेरी बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नए अध्यक्ष कौन बना है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नए अध्यक्ष जो बना है सो कल्याण चौबे बना है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका आंसर चला जाएगा। राज्यसभा का नए महासचिव कौन बना है? तो राज्यसभा का नए महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी बना है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बना है? तो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो बना है सो अजीत डोभाल बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नए अध्यक्ष जो बना है सो संजय कुमार मिश्रा बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन बना है? तो अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष जो बना है सो कौन बना है? तो शशि सिंह बना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्ति जो किया है सो राहुल नवीन को नियुक्ति किया है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर होगा। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक जो बना है सो कौन बना है? मनीष देसाई बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? तो आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक जो बनी है सो डॉक्टर वसुधा गुप्ता बनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बना है? नेशनल कैडेट कोर का नए महानिदेशक जो बना है सो गुरवीर पाल सिंह बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बना है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण का नए निदेशक जो बना है सो कौन बना है? गणेशन कनवीरान बनी है। तो गणेशन कनवीरान बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ का नए अध्यक्ष जो बना है सो अजय सिंह बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नए अध्यक्ष कौन बना है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नए अध्यक्ष जो बना है सो अमरेंदु प्रकाश बना है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक जो बनी है सो कौन बनी है? तो नाला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बना है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नया महानिदेशक जो बने हैं सो कौन बना है? तो हिमांशु पाठक बना है।
अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के नए सीईओ कौन बना है? तो खादी और ग्रामोद्योग का नए सीईओ जो बना है सो कौन बना है? विनीत कुमार बना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बना है? तो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो बना है सो वी अनंत नागेश्वरन बना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक जो बना है सो दिनकर गुप्ता बना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है सो शक्तिकांत कौन है? शक्तिकांत दास है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बना है? तो जी कामला वर्धन राव बना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बना है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष जो बना है सो कौन बना है? विजय सांपला बना है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के, जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बना है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो बना है सो कौन बना है? तो जी कृष्णा कुमार बना है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD CEO कौन बना है? नए MD और CEO कौन बना है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO जो बना है सो कौन बना है? तो आशीष कुमार चौहान बना है। अगला क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का नए अध्यक्ष जो बना है सो अरुण कुमार सिंह बना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष का नाम जो है सो ओम बिरला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक कौन बना है? तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक जो बना है सो अतुल करवाल बन गया है। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए प्रमुख जो बना है सो कौन बना है? तो आलोक शर्मा बना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बना है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के जो नए महानिदेशक जो बना है सो MA गणपति बना है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन बने हैं? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन बना है? तो विक्रम देव दत्त ने बना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नए अध्यक्ष जो है सो प्रमोद भसीन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बना है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए अध्यक्ष निदेशक जो बना है सो प्रवीण शर्मा बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष जो बना है सो कौन बना है? राजेश नंबियार बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बना है? तो भारत के नए कानून मंत्री जो बना है सो अर्जुन राव मेघवाल बना है। तो गाइज हम लोग 240 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं इस क्लास में। तो ये मैं आशा करता हूँ कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है इसी क्लास से आने वाला है, और अगला क्लास में हम लोग SSC GD के लिए साइंस का ताबड़तोड़ मैराथन करेंगे।